मिलाद शरीफ का चंद चढ़ गया ना जी। मेरा मौजू है अज हज़रत अब्दुल्ला ते हज़रत आमीना का, तो मौजू भी बड़ा आला क्योंकि मिलाद की खुशी मनाना हर मुसलमान ते लाजम है। जिहड़ा नबी पाक का कलमा जिन्हें पढ़िया उन्हूं हजूर दे आउण की भी खुशी होनी चाहिए है, उन्हूं हजूर दे आउण की भी खुशी होनी चाहिए है। सिर्फ मिलाद ते एक ख्याल रखना है, अगे भी पूरी दुनिया क्लिप भी सुन दी है, ये भी पूरी दुनिया से जाना है। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का तरीका की, पहले ऐ समझो कि मिलाद मनाना किवें वे। जिस दिन 12 रबीउल अव्वल है, तुसी ये नहीं करना कि सारी रात तुसी डैग लाया, सारी रात तुसी कवालियां सुनते रहे हो, सारी रात जागते रहे हो, पहाड़ियाँ बनाते रहे हो, तो सुबह फजर की नमाज किसी भी नहीं पढ़ी। क्यों? सारी रात ही जागते रहे, 11 ते 12 की दरम्यान सारी रात जागते रहे, डग लाए ने पूरे महल में किसी को नहीं सौन दिता। इस्लाम आंदा भाई तेरे अमल तू तेरे हमसाए भी तंग नहीं होने चाहिए। ये बड़ा बरीक मसला है। अगर तेरे बल्ब की वजह तू तेरे हमसाए तंग पे होंदे ने ना, तो तेनों चाहिए अपना बल्ब बंद कर देना कि तेरे हमसाए परेशान ना हो। अगर तेरा कूड़ा सुटन तू तेरे हमसाए तंग ने, कहीं अपना कूड़ा गुआढ़ियों के बूहे अगर सुट छड़ते हैं, चलो साडा तो घर साफ है ना, ये कोई मुसलमानी नहीं। सारी रात जागना फजर की नमाज ना पढ़ना, यह भी मिलाद नहीं, यह भी महफल नहीं। उस महफल का भी मकसद नहीं, उस मिलाद का भी मकसद, उदा सवाब कोई नहीं। 11 की रात नफल पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, टाइम के नाल सो जाओ, सुबह उठो 12 उठो, उठ के फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के गुसल करो। की करना है? गुसल। गुसल करके नवे कपड़े पाओ, खुशबू लाओ, अत्थर लाओ, सुरमा पाओ, तेल लाओ, पूरा तैयार हो के ते जिसे भी जाना है, जिस जलूस में जाना है, वेखना है कि उस जलूस में कोई बगैरती तो नहीं हो रही, उस जलूस में कोई बेहयाई तो नहीं हो रही, कोई फौजी बैंड तो नहीं अगे अगे टुरदे पे भी जलूस दे विच वे तुसां जो इबादत करनी है उहदा भी कोई फायदा ना हो। उस जलूस में जाओ, मिलाद नबी दे उस जलूस में जाओ जिथे नबी पाक दियां नातां पढ़दियां होण, जिथे सारे बावजू होण, जिन्हां दे सिर ते टोपियां होण, खुशबूआं लगियां होण, ते लबां ते मुस्तफा दा दरूद होवे, हजूर दी जात ते दरूद पढ़दे होण, उस जलूस में शिरकत करो, तुहाडा ईमान ताज़ा होवे। यार जलूस का तो फायदा तावे बंदे नूं अंदरों सुकून आवे, अंदरों खुशी आवे। इस वास्ते 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये बड़ी इख्तियात करनी है, ठीक है। कई उस जगह पर नहीं जाना जिथे औरतां जमा ने, उस जगह पर नहीं जाना जिथे फौजी बैंड पे वजदे ने, उस जगह पर नहीं जाना जिथे गाने पर चलते ने, कवालियां पियां चलदियां ने, ते लोग तुसी 11 की रात, असी तो पूरे पाकिस्तान च जाने ना, वेने फिर बड़े परेशान होने। 11 की रात में लोग कवालियां ला के अगे डांस करते होंगे, इस्लाम नूं बदनाम किया जा रहा, आहले सुन्नत नूं बदनाम किया जा रहा। आहले सुन्नत दा इन्हां लोगों नाल कोई तलक, इस्लाम नहीं जी इजाज़त देता इस चीज़ का। वे तुसी डांस करो, तुसी लुड़ियां पाओ, डैग ला के सारी रात ना आप ही सौवो तो ना महल्लेदारा नूं सौण दिओ, ना किसी होर नूं सौण दिओ, नहीं। इस्लाम आंदा इबादत कर तू अपने वास्ते करनी, नबी पाक की खुशी कर, इंज कर वे नबी पाक तेरे तो नाराज ही ना हो जाए, कोई ऐसा अमल ही ना तेरे को हो जाए कि हजूर तेरे तो मुख मोड़ लैन। ऐसा अमल कर तेरिया लबां ते दरूद होवे, तेरिया लबां ते नात होवे, तेरिया अखां विच आंसू होवे, ते तू जांदिया कहंदा होवे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जोहर की नमाज का टाइम हो गया, तू जलसे चु आ जा, तू मिलाद जलूस चु आ के जोहर की नमाज अदा कर, असर की नमाज अदा कर, कुछ भी ना ना करेगा अल्लाह तैनू सवाब अता फरमा छड़ेगा। ये बातें जरूरी ने, हर उलामा बयान करनिया चाहिए ने और हर मिंबर तो बयान होनिया चाहिए ने कि जड़िया साढ़े अंदर बिराइया ने उन्होंने ख़त्म किया जाए, जड़िया गलत चीज़ा ने उन्होंने दूर किया जाए। वेखो लोग जुम्मा पढ़न कोई स्वाद वास्ते नहीं आते, वे स्वाद आए तो असी टुर जाइए, लोग सीखण आते ने, की करन आते ने, एक बंदे दे सामने जो इन्ने 100 बंदे बैठे ने, तुसी शेर सुन के टुर जाओ, सुन के टुर जाओ, की फायदा है? दसो मैनू कोई है फायदा, कोई पेड़ पल्ले पई गल? इन्हों चीज़ों इन्हें मिंबर तो बयान होना है, और अलहमदुलिल्लाह जिन्ना तक मेरी जिंदगी है साह चलते मैं बयान करता रहूँगा, जिन्ना इलम मैनू दिता अल्लाह ने उस इलम के मुताबिक
मैं जिहड़ी बात दा मैनू इलम होवेगा मैं थोड़े तक पहुँचावांगा, इंशाल्लाह मेरा भी फायदा होवेगा, थोड़ा भी फायदा हो जाएगा।